कोई चुनौती नहीं, यही जो जोश खड़े कार्यकर्ताओं का है, इसी जोश खड़े कार्यकर्ताओं के दम पर सूखा खत्म होगा, कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। मैनपुरी की पृष्ठभूमि में कहती है 1996 से लेकर और उपचुनाव तक, अभी नेताजी के न रहने के बाद तक, रिकॉर्ड मतों से पारिवारिक सीट मानी जा रही है, परंपरागत सीट है उन लोगों के लिए। क्या लगता है आप इसको भेद पाएंगे? 2019 का चुनाव माननीय नेताजी सिर्फ 90,000 के आसपास जीते थे। उपचुनाव इसलिए हुआ कि मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ और निधन में सारे देश के सभी दलों के नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया था। और जब तक मुलायम सिंह यादव जी की अंत्येष्टि स्थल की राख ठंडी नहीं हुई थी तब तक उपचुनाव हो गया था। तो उसी श्रद्धांजलि में मैनपुरी के लोगों ने नेताजी की श्रद्धांजलि के बतौर डिम्पल यादव को एमपी बनाने का काम किया था। अब वो समय गुजर गया, परिस्थितियां गुजर गई, काल गुजर गया, अब निर्णय होगा मेरिट पे। निर्णय होगा कि डिम्पल जी ने अपने चुने हुए काल के बाद मैनपुरी के लिए क्या योजना लाए, मैनपुरी के लिए क्या काम किए, किस कार्यकर्ता के सुख में खड़े हुए और मैनपुरी के लिए क्या उपलब्धियां हैं। और दूसरी तरफ आदरणीय मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल, आदरणीय योगी जी का 7 साल का कार्यकाल, कानून व्यवस्था, गुंडई अराजकता पर विराम, लफंगई पर विराम, कानून का राज, बढ़ता हुआ धमकता हुआ उत्तर प्रदेश, संकीर्णवादी मानसिकता का खात्मा, तुष्टिकरण का खात्मा और एक सनातन परंपराओं को परम वैभव तक पहुंचाने की प्रयास, इसके बीच में चुनाव होगा। इस चुनाव में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैनपुरी की जनता कदम से कदम मिलाएगी, कमर खिलाएगी, भगवा लहराएगी।